हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीएस ऋचा और आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से सीएस एग्जाम्स को एक अटैम्प में फर्स्ट अटैम्प में ही क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिसके थ्रू हम ये एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प में। ये वो टेक्निक्स है जो कि मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम पे फॉलो की थी और मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने सीएस एग्जाम्स एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। मैंने इन कुछ टेक्निक्स को पॉइंट वाइज समराइज कर दिया है जिससे कि आपको इजी हो जाए टेक्निक्स को फॉलो करना। मैं धीरे धीरे करके हर एक टेक्निक्स को आपको बताऊंगी। तो हमारी फर्स्ट टेक्निक है गोइंग थ्रू द सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहली टेक्निक है कि हमें अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमें अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे, उसको गो थ्रू कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारी कौन सा सब्जेक्ट वीक है, हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है। तो सिलेबस का पहले पता होना जरूरी है। कोई भी एग्जाम देने से पहले आप सिलेबस उसका जरूर देखें। तो यहाँ पे मैंने दोनों मॉड्यूल के सब्जेक्ट्स को लिखा है जिससे कि मुझे पता चल रहा है कि इसमें मेरी किस चीज़ पे कमांड है या किस चीज़ में मेरी वीकनेसेस है, जिससे कि मैं डिसाइड कर सकूं कि मुझे कौन सा मॉड्यूल पहले देना है, कौन सा मॉड्यूल बाद में देना है, या दोनों में से साथ में कौन से मॉड्यूल देने हैं। ये सारी चीज़ें मैं इनसे डिसाइड कर सकूँ। सेकेंड स्टेप है सेट योर गोल। फ्रेंड्स, जब आप सिलेबस देख लोगे तो उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आप कौन सा मॉड्यूल देना चाहते हो, कौन से एग्जाम्स के लिए पहले अपेयर होना चाहते हो। आपको गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रैंडमली दोनों मॉड्यूल्स देने की कोशिश करोगे या रैंडमली कोई भी एक मॉड्यूल चूज़ करोगे तो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो आपको ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस हो। तो आप पहले गोल सेट कर लो, पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा मॉड्यूल, कौन से एग्जाम्स पहले देने हैं। उसके बाद कोई भी, जब आपको सिलेबस पता चल गया, आपने अपना गोल सेट कर लिया, अब आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है। अब आपको क्या करना है, आपको एक शेड्यूल बनाना है जिसको कि आप फॉलो करने वाले हो, पढ़ाई का शेड्यूल, स्टडी का शेड्यूल। और आपको अपना डिसाइड करना है कि आपको 24 आवर्स में से आपके पास कितना अवेलेबल टाइम है स्टडी के लिए, कितना और चीज़ों के लिए, क्योंकि हम लोग कोचिंग्स वगैरह भी अटेंड करते हैं तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास कितना अवेलेबल टाइम है। आप उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बना लो। तो उसके बाद आप ये भी डिसाइड करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट आपको ईजी लगते हैं, क्या कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपके वो कौन से सब्जेक्ट वीक हैं। तो ये सारी लर्निंग स्ट्रेटजी होती है जो कि आप फॉलो करोगे जब आप इनको, इन पे वर्क करोगे, आप पहले इनको स्ट्रेटजाइज करोगे तो ये धीरे धीरे आपके लिए ईजी होती जाएंगी। और अपने डेली के टारगेट सेट्स करना कि मुझे कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने, ये सारा डिसाइड करना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है, आपने सिलेबस देख लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन से एग्जाम्स पहले देने वाले हैं, कौन से मॉड्यूल पहले देने वाले हैं, आपने उसके लिए पूरी प्लानिंग भी कर ली कि आप किस तरीके से पढ़ोगे, किस तरीके से शेड्यूल को फॉलो करोगे, टाइम टेबल को फॉलो करोगे। अब बात आती है, अब उसको एग्जीक्यूशन लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिर्फ पेपर्स पे शेड्यूल बनाते रहेंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको एक्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी, आपको एक्चुअल शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको जो भी आप टारगेट सेट कर रहे हो उसको मीट करना पड़ेगा, आपको उसको कैसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। लेट्स से आप डिसाइड करते हो कि मेरे को फॉर एग्जांपल 8 to 9 hours पढ़ना है एक दिन में, सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रही हूँ, 8 to 9 hours आपको पढ़ना है, तो आप 8 to 9 hours अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है वो टारगेट जो कि आपने डेली टारगेट सेट किया है, 6 to 7 chapters का या 4 to 5 chapters का, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपने डिसाइड किया उसको सेम डे पे ही कंप्लीट करें विदाउट एनी फेल, उसको नेक्स्ट डे के लिए मत पोस्टपोन करिए। आगे मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि स्टडी मटेरियल को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं सीएस स्टूडेंट्स। वो सोचते हैं जितना मटेरियल हम कलेक्ट कर लेंगे, इधर के नोट्स उधर के नोट्स, वो हमें बेनिफिट देंगे। नो, दिस इज नॉट द गुड थिंग। आप वही स्टडी मटेरियल यूज करिए जो आपको समझ में आ रहा हो। आप किसी से पूछ के या किसी पर डिपेंड होकर मत करिए, आपको स्टडी मटेरियल जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आप इससे चीज़ों को इजीली समझ पा रहे हैं, आप उन्हीं स्टडी नोट्स का यूज़ करिए। और मैं तो प्रिस्क्राइब करूँगी, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जो इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मैट प्रोवाइड करता है आप उनका यूज़ करिए, उसके बाहर से कहीं से पेपर एग्जाम्स नहीं आते हैं। तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब आप सब कुछ आपने अपनी सॉर्टेड कर ली है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, टाइम शेड्यूल है,
आपके पास आप प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो, बट आपको डेली चेक रखना है अपने ऊपर कि आप रेगुलर जो आपने टारगेट फिक्स किए हैं वो आप कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, वो फिनिश आप कर रहे हो या नहीं। ये टारगेट फिक्स करना ईजी है बट उसको कंप्लीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसलिए आपको अपने आप पर डेली चेक रखना है, आपको रोज ध्यान रखना है, एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है, आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि जो जो मैंने चीज़ें आज पढ़ी है वो मुझे याद है या नहीं है, जो मैंने टारगेट फिक्स किए थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं नहीं। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, टारगेट पे अपने ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट स्टेप है और ये लास्ट टेक्निक है जो कि सबको फॉलो करनी चाहिए, दिस इज राइटिंग एंड रिविजन। हर एक एग्जाम के लिए राइटिंग एंड रिविजन इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको हर चीज़ लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर आंसर्स को लिख के प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिए, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो चाहे वो थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स हो, सारे आंसर्स को लिख कर प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखिए। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर सके, जितने कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, वो आपके लिए उतने ही बेनिफिट होंगे। आपको पता चलेगा आपको कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, या टाइमिंग की कोई इश्यू तो नहीं आ रही है, आप 3 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने से ज़रूर पता चलेंगी। और सैम्पल पेपर सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उनके आंसर्स भी चेक करने हैं कि हमने किस तरीके से ड्राफ्टिंग की है और किस तरीके से आंसर एक्चुअली में ड्राफ्टेड है, तो क्या डिफरेंस है हमारी ड्राफ्टिंग में, वो सब चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है, तो राइटिंग और रिविजन के लिए अपना टाइम ज़रूर रखें। कोई भी एग्जाम देने से पहले रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो रिवाइज करिए हर चीज़ को थॉरली, और जितना ज़्यादा हो सके लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, राइटिंग से प्रैक्टिस करिए, उतना ही बेस्ट आप आंसर दे पाएंगे और उतना ही एग्जाम्स में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरी ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि मैंने अपने एग्जाम्स में फॉलो की थी। मैं होप करती हूँ कि आप लोग भी ट्रिक्स को फॉलो करें और अपने एग्जाम्स को अच्छे से दें। कोई वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।